बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2023 के शुरुआती दो मुकाबले जीतने के बाद टीम इंडिया प्रबंधन की ओर से गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन को अहमदाबाद टेस्ट के लिए एक अच्छी विकेट तैयार करने के निर्देश मिले थे। कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह बात सामने आई थी। इन निर्देशों के पीछे यह कारण माना जा रहा था कि टीम इंडिया WTS फाइनल में लंदन के दी ओवल में उतरेगी, जहां पिच पर अच्छी खासी घास भी होती है और तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है। ऐसे में टीम इंडिया की कोशिश अहमदाबाद में वैसी ही विकेट तैयार कर WTS फाइनल की तैयारी पर थी, लेकिन अब टीम इंडिया का प्लान बदल गया है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2023 के मुकाबले में हारने के बाद भारतीय टीम प्रबंधन अब फिर से अपने स्पिन फ्रेंडली पिच बनाने और मैच जीतने के फॉर्मूले पर लौट सकता है। पिछले एक दशक में भारतीय टीम का घरेलू मैदान पर टेस्ट रिकॉर्ड काफी बेहतर रहा। इसका कारण यही रहा है कि भारत में स्पिन फ्रेंडली पिचें तैयार की जाती हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि भारत में स्पिनर्स की भरमार होती है और भारतीय बल्लेबाज भी स्पिन को काफी अच्छे से खेलते हैं। वहीं विदेशी बल्लेबाज स्पिन के खिलाफ इतना अच्छा नहीं खेल पाते हैं। वहीं टीम इंडिया की बात की जाए तो इंदौर टेस्ट गंवाने के बाद टीम इंडिया की कोशिश अब हर हाल में अहमदाबाद टेस्ट जीतने पर होगी। ऐसे में फिर से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच को स्पिन फ्रेंडली बनाने की संभावना बढ़ गई है। यहाँ हुए पिछले मुकाबलों में भी स्पिन ट्रैक ही देखने को मिला था। 2 साल पहले हुए 2 मुकाबलों में यहाँ भारतीय टीम ने इंग्लैंड को बुरी तरह से हराया था। एक टेस्ट में भारतीय स्पिनर्स ने इंग्लैंड को 2 दिन में ही शिकस्त दे दी थी। वहीं दूसरे टेस्ट मैच में भी मैच 3 दिन तक नहीं चल पाया था।